तो ये हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको देख लेते हैं कि द हेल्थ रिलेटेड कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आर मोस्ट एसोसिएटेड विद हाउ वेल द सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑपरेटेड। जो आपको मैंने स्लाइड्स रीड करवाई हैं जितनी भी, उन सारी स्लाइड्स के अंदर जो है वो ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ था और एज इट इज़ यहाँ पर जो है MCQ में दिया हुआ है, और मैं इसलिए उनको बार बार रिपीट कर रही थी। हेल्थ रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ एसोसिएटेड है विद द बॉडी इज़ कि भाई आपका जो बॉडी की फंक्शन है, सिस्टम है, वो कितने बेहतर तरीके से जो परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़ है द एबिलिटी टू यूज़ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आप अपने स्केलेटल मसल्स को लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहें और वो थकें भी ना, तो उसको हम कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। ओबेसिटी के रिलेटेड सबसे करीब तरीन जो है वो कंडीशन कौन सी होती है, स्ट्रोक हो सकता है अगर ओबेसिटी हो जाए तो। आपको बॉडी की पोजीशन को एफिशिएंटली चेंज करने को हम एजिलिटी कहते हैं। आपकी आँखों का, हाथ का, फुट के मूवमेंट की इंटीग्रेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये सारा जो है वो कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। डैश इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू मीट डेली डिमांड्स। फिजिकल फिटनेस इज़ द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू मीट योर डेली डिमांड्स। ठीक है, योर ये सेम क्वेश्चन है, इसको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है 9 और 1, कि आपकी एबिलिटी कि आप दिन के जितने भी टास्क हैं बगैर थके अगर कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस। विच ऑफ द एक्टिविटी ब्लो वुड बेटर विद बेस्ट टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स। लेग्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी, तो वो होगा आपका स्क्वाट। अच्छा, डेली डिमांड्स, वो ये वापस से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जब सारे क्वेश्चन आते हैं ना सारी यूनिवर्सिटी के, तो उसको कंप्यूटर में डाल के मिक्स करके और एक पेपर निकाला जाता है, तो समटाइम क्वेश्चन जो है वो सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी टू इफेक्टिवली मीट डेली डिमांड एट वर्क टू यूज़ फ्री टाइम इज़ फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस क्या है कि आपकी वो ताकत कि आप जो है अपना फारिग टाइम और डेली डिमांड्स को पूरा करने की ताकत किस तरीके से वो जो वो रखते हों, उसको हम कहते हैं फिजिकल वेलनेस। यानी आपने अपना फ्री टाइम भी अच्छे से एक्सरसाइज में यूज़ किया है और आपने डेली एक्टिविटीज़ भी प्रॉपरली कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल वेलनेस बोलते हैं। द एबिलिटी टू कीप योर बॉडी इन अपराइट पॉस्चर वाइल स्टैंडिंग, मूविंग और होल्डिंग। अपनी बॉडी को सीधी अच्छी पोजिशन में रखना, सीधे पॉस्चर में रखना भागने दौड़ने चलने फिरने के दौरान, उसको हम बैलेंस कहते हैं। फ्लेक्सीबिलिटी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट वेरियस जॉइंट। जितनी भी रेंज हो जॉइंट्स की, उनके ऊपर हम कितनी मूवमेंट करा सकते हैं, उसको हम कहते हैं भाई ये फ्लेक्सीबिलिटी है। ठीक है, एबिलिटी टू डू स्ट्रेंथ परफॉर्मेंसेज एट अ रैपिड पेस। जल्दी जल्दी जो है वो स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस अगर हम सर अंजाम दें तो उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे जंपर हैं तो फिर आप कौन हैं, आपके पास जो आप जो किस एरिया में स्ट्रांग हैं, आप पावर के एरिया में स्ट्रांग हैं अगर आप जो है अच्छे जंपर हैं तो। अच्छा, अगर एक बंदे के अंदर ये एबिलिटी है कि वो डेली सर्कमस्टांसेस को पॉजिटिवली डील कर लेता है और अपने जो ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत कंस्ट्रक्टिव मैनर में सोचता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये उसकी इमोशनल वेलनेस है। ठीक है, द एबिलिटी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ टू द फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल गोल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस इंक्लूड एक्सेप्ट। आपके फैक्टर्स जो आपकी फिटनेस को अफेक्ट कर लेते हैं उनका बताना है, और जो नहीं करता उसका बताना है। आपकी फिटनेस को स्ट्रेस अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट अफेक्ट करती है, एक्सरसाइज नहीं करते तो वो भी अफेक्ट करती है, लेकिन एक्सेप्शन में वो आएगा कि जो अफेक्ट नहीं करता ना, तो वो है फिजिकल एबिलिटी। आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है उससे जो फ़ायदा होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज़ ए स्किल रिलेटेड फिटनेस कॉम्पोनेंट। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस कॉम्पोनेंट है एजिलिटी एंड बैलेंस। ये दोनों चीज़ें स्किल रिलेटेड है। हर कोई रस्सी पे नहीं चल सकता, हर कोई जो है भागते दौड़ते एफिशिएंटली अपना पोस्चर चेंज नहीं कर सकता, तो ये स्किल रिलेटेड है। बॉडी कंपोजिशन को बेस्ट हम BMI के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। और BMI में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना फैट है और कितने मसल्स हैं और कितने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, रेशो ऑफ फैट टू मसल बोन एंड अदर टिश्यूज इन द पर्सनस बॉडी। द क्वेश्चन नंबर 14 है कि द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू गेट मूविंग वंस योर सेंसेस सिग्नल द नीड टू मूव एस। ठीक है, एक दफ़ा आपके पास सिग्नल आ गया सेंसेस के थ्रू और अब आपने उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। कि जितना टाइम आपको लगता है सिग्नल मिलने के बाद एक्ट करने में, उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। और अगली चीज़ें पूछ रहा है कि द एबिलिटी टू सजेस्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई किसी भी मसले में आप फंस गए हैं और उस मसले के दौरान जो है अगर आपका टू सजेस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि आप जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वेलनेस की कंडीशन में है, यानी आप साइकोलॉजिकली भी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी स्लाइड्स ही मिलते हैं अगली स्लाइड्स में। थैंक यू।